और दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वीके सक्सेना ने इस घटना को सरकार की आपराधिक लापरवाही करार दिया है। वहीं दिल्ली के मेयर शैली ओब्रॉय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। दिल्ली कोचिंग में हुए हादसे पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक्शन में है। एलजी ने इस बारे में डिविजनल कमिश्नर से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये माफी के लायक नहीं है। वीके सक्सेना ने कहा कि ये दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है। उन्होंने कहा कि ये घटना दिल्ली सरकार के कुशासन का नतीजा है। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कमिश्नर को ये भी कहा है कि बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की जाए। स्टोरेज और पार्किंग को ना इस्तेमाल करते हुए जो है बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर चल रहा था, जो बिल्कुल बायलॉज बिल्डिंग का जो है उसका वॉयलेशन था। और आइए आपको सीधे एक बार फिर लिए चलते हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर इकट्ठा हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुनीत, ये बताइए कि कई घंटे बीत चुके, ये छात्र छात्राएं लगातार सड़कों पर बैठे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अब किसी की जान कम से कम लापरवाही से ना जाए, इस तरह की लापरवाही से। कोई सुनने के लिए आया है इन्हें? देखिए, भीषण गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है और कल रात से ही ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनका उत्साह, इनका गुस्सा, इनका जोश अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही जो है तमाम लोग पहुँचे थे, पुलिस अधिकारी भी पहुँची हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अभी इन लोगों का जो गुस्सा है छात्रों का, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो संख्या है छात्रों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास के तमाम कोचिंग सेंटर्स के छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। उनका कहना है कि आज जो तीन छात्र मरे उनकी जगह वो भी हो सकते हैं। अगर इसी तरीके की लापरवाही सिस्टम, एमसीडी और सरकार करते रहेंगे तो आखिर ऐसा कैसे चलेगा, तमाम सवाल अब ये लोग खड़े कर रहे हैं। और वाकई में सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करने लाजमी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनओसी मिली थी उसके बावजूद वहाँ पर जो है लाइब्रेरी चला रहे थे बेसमेंट में, जिस तरीके से पानी भरा, सोचिए उस वक्त वो खौफनाक मंजर क्या होगा जब करीब 30 से 35 स्टूडेंट बेसमेंट के अंदर थे और पानी का सैलाब अंदर की तरफ भगा, स्टूडेंट्स को भागने का मौका नहीं मिला। करीब 12 से 14 स्टूडेंट फंस गए, एक ही एग्जिट डोर था। बच्चों ने बेंच के ऊपर खड़े होकर के अपनी जान बचाने की कोशिश की, शीशे जो लगे हुए थे बेसमेंट में उसको तोड़ करके पानी अंदर घुसा और वहां पर डूब करके तीन बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। जो गुस्सा दिल्ली की सड़कों जी। पुनीत और अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, जाहिर सी बात है छात्रों में गुस्सा है, सिर्फ छात्रों में ही नहीं, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है उसमें गुस्सा है कि ये छात्र जो अपने भविष्य के लिए, पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे, वो इस तरह की बदइंतजामी का शिकार हुए हैं। लेकिन अभी जो छात्र मांग कर रहे हैं उससे क्या बदलने वाला है? देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है, सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। शैली ओब्रॉय के जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर काली फेंकने की कोशिश छात्रों ने की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैली ओब्रॉय का जो बोर्ड लगा हुआ है उनके आवास के सामने, वहां पर काला पेंट, और उसके बाद छात्र को देखिए यहाँ पर हिरासत में लिया गया। इस छात्र ने यहाँ पर शैली ओब्रॉय का जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर काली फेंकने की कोशिश की, उनकी जो तस्वीर लगी हुई थी उस पर काली फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ा है, उसके बाद यहाँ पर उसे हिरासत में लिया जा रहा है और इस छात्र को उठाकर पुलिस ले जाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। जिस यहाँ पर सामने देखिए, सामने तस्वीर दिखाई, देखिए यहाँ पर भगदड़ मच गई है और कुछ छात्र यहाँ पर दब गए हैं इस भगदड़ के अंदर। यहाँ पर पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि छात्र जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे और थोड़ी सी यहाँ पर भगदड़ मची है। तो जो लगातार विरोध प्रदर्शन एबीवीपी का यहाँ पर चल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पर उग्र होता हुआ दिखा। यहाँ पर शैली ओब्रॉय की तस्वीर
तस्वीर पर कालीख पोतने की कोशिश, और उसके बाद उनके बोर्ड को जो यहाँ पर नेम प्लेट लगाया हुआ है उसे खराब किया गया, और वहाँ पर ब्लैक पेंट लगाने के बाद उस छात्र को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया। और उसके बाद अब तमाम छात्र जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं देख सकते हैं कि आक्रोशित हुए हैं, और पुलिस और छात्रों के बीच में एक धक्का मुक्की जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अचानक से ये प्रदर्शन उग्र हुआ है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके छात्रों को इधर उधर करने की कोशिश यहाँ पर शुरू कर दी है। ये तस्वीर हम आपको शैली अब रॉय के आवास के बाहर से पटेल नगर से दिखा रहे हैं सीधे सीधे, और देखिए किस तरीके से अचानक से छात्र यहाँ पर आक्रोशित हुए। देश भर के छात्रों में एक गुस्सा है इस घटना को लेकर, और वो लगातार हाथों में कालिख लगाए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर देखिए एक छात्र ये बोर्ड के ऊपर चढ़ गया है काले कलर का पेंट लेकर, और अब ये ऊपर चढ़ के यहाँ पर कालिख पोतने की कोशिश ये कर रहे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है ये भी आप देखिए, यहाँ पर बिजली के तार तमाम यहाँ पर है, और ये छात्र यहाँ पर ऊपर चढ़कर अब शैली अब रॉय की तस्वीर सामने लगी हुई है मेयर एमसीडी, और देखिए यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको पटेल नगर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रदर्शन में अब जो है वो कानून को एक तरीके से कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश, एक छात्रों के आक्रोश की वजह से यहाँ पर देखिए एक दिल्ली पुलिस के जवान ऊपर भी चढ़े हैं और उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं।